यूक्रेन की राजधानी कीव में देर शाम हुए दो धमाके। कीव के मेयर का दावा है रिहायशी इमारतों पर गिरी मिसाइल। हमले के बाद कीव में थे यूएन महासचिव गुटेरेस। कीव में धमाके की जगह पर सबसे पहला पहुंचा जी न्यूज की टीम। घटनास्थल पर पहुंचने वाला सबसे पहला न्यूज चैनल। दिल्ली के शाहीन बाग में ड्रग्स की बड़ी खेप की बरामदगी। एनसीबी की रेड में 30 लाख कैश और नोट गिनने की मशीन भी मिली है। एनसीबी के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुबई और अलग देशों से जुड़े रहे हैं इसके तार। जहांगीरपुरी हिंसा में एक और गिरफ्तारी हुई। पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया हिंसा का आरोपी। हिंसा के बाद से लगातार बदल रहा था अपने ठिकानों को। नवनीत राणा, पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई। नवनीत राणा ने जेल में घर का बना खाना दिए जाने को लेकर भी दायर की याचिका। शनिवार को होगी इस पर अगली सुनवाई। हिंसा की घटनाओं पर आरएसएस प्रमुख की देश से अपील। का हिंसा से किसी का भला नहीं होता। समाज अगर एक होकर सोचता है तो जो चाहता है वो करता ही है, चाहे सरकार कोई भी हो। घाटी में तेजी से जारी है आतंकियों का सफाया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 4 महीने में सुरक्षा बलों ने मारे 62 आतंकवादी। जैश लश्कर के कमांडर्स तक ढेर कर दिए गए। भीषण गर्मी से उत्तर भारत को फिलहाल राहत नहीं है। दिल्ली एनसीआर समेत 5 राज्यों में अगले 5 दिन तक चलेगी लू। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। झज्जर में इंडियन गैस एजेंसी के पास कत्था फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक हो गई है। मौके पर जिला प्रशासन समेत फायर ब्रिगेड की टीम्स पहुंची हुई है। फिलहाल लीकेज को काबू करने के लिए कोशिशें जारी।